रहमान रहीम अब हम ओपन इकोनॉमी में इतने टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं कि नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू डिस्कस आवर फाइनल टॉपिक विच इज इश्यूज रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट एंड देयर आर डिफरेंट एक्सचेंज रेट रिजीम्स विच वर देयर इन द वर्ल्ड एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स और उसमें एक इंपॉर्टेंट गोल्ड स्टैंडर्ड भी रहा है दुनिया में एक सिस्टम वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो पहले हम जरा ब्रॉडली डिफाइन कर लें कि एक्सचेंज रेट रिजीम से क्या मुराद होती है एक्सचेंज रेट रिजीम से मुराद ये होती है कि आपका एक्सचेंज रेट डिटर्मिन करने का बेसिक मॉडल क्या है बेसिक प्रोसेस क्या है यानी कि आप यूं समझ लें कि आप कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट की पॉलिसी क्या है तो एक्सचेंज रेट रिजीम बेसिकली दो तरह के होते हैं एक कहलाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम एक कहलाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जब हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम तो इसका मतलब है किसी करेंसी की जो वैल्यू है वो किसी और करेंसी की टर्म्स में फिक्स हो जाती है यानी कि ये एंकर बन जाता है कोई और करेंसी आप अपनी करेंसी को लिंक कर देते हैं किसी और करेंसी के साथ जबकि उसके मुकाबले में जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम होता है उसमें जो मार्केट कंडीशन होती हैं उसमें डिमांड एंड सप्लाई से एक्सचेंज रेट डिटर्मिन होता है और जैसे जैसे मार्केट कंडीशन चेंज होती जाती हैं एक्सचेंज रेट अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करता जाता है फिक्स नहीं होता अब बेसिकली तो ये दो ही टाइप्स हैं लेकिन एक तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी है जिसे हम कहते हैं मैनेज फ्लोट या डर्टी फ्लोट इसके मुताबिक ये होता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट तो करता है जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना उसके फिक्स नहीं होता बल्कि ये फ्लोट करता है यानी कि फ्लक्चुएट करता है मार्केट कंडीशंस के मुताबिक चेंज होता रहता है लेकिन अगर सेंट्रल बैंक ये देखे कि इसमें एक्सेस फ्लक्चुएशन हो रही है या एक्सचेंज रेट उस वैल्यू की तरफ जा रहा है जो हमारे कंट्री के लिए डिजायरेबल नहीं है तो सेंट्रल बैंक फिर मार्केट में आके इंटरवीन करते हैं और इंटरवेंशन के थ्रू एक्सचेंज रेट को अपनी मर्जी की जो वैल्यू है उसके अराउंड लेके आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट कि फ्लोट तो कर रहा है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट तो कर रहा है मार्केट कंडीशन के मुताबिक लेकिन साथ पैरल सेंट्रल बैंक इंटरवीन भी करता जा रहा है अब दो बेसिक टाइप्स हो गई तीसरा उनमें से आप यूं समझ लें कि डेरिवेटिव है अब हम एक्चुअल रेजीम्स की तरफ जाते हैं जो दुनिया में राइज रहे ताकि हमें पता चले कि किस किस टाइप के रेजीम्स थे उनमें से या फिक्स्ड होंगे या फ्लोटिंग होगे या मैनेज्ड फ्लोटिंग होंगे तो पहला जो सिस्टम दुनिया में राइज रहा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए वो है गोल्ड स्टैंडर्ड जब हम गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटामिन होता है कि हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड की टर्म्स में डिटामिन होती है इसका मतलब यह है कि दुनिया की सारी करेंसीज की पैरिटी गोल्ड से मेंटेन होगी तो जब गोल्ड से मेंटेन होगी तो उसका तो एक बड़ा आसान हो गया कि कंट्री की आपस की वैल्यू भी डिटरमिन हो गई तो एक्सचेंज रेट सिस्टम बन गया ये कि अगर जो है वो एक करेंसी जो है वो गोल्ड के टू ऑन के बराबर है और दूसरी फोर के बराबर है तो सीधी सी बात है जो फोर के बराबर है वो टू वाली के मुकाबले में डबल वैल्यू की होगी तो उनका आपस का एक्सचेंज रेट डिटर्मिन हो जाएगा वो टू हो जाएगा ये सिस्टम वर्ल्ड वॉर वन से पहले तक दुनिया में राइज था तो आपस में यह बात जेन में रखनी है कि करेंसीज का आपस में कन्वर्जन आसान हो जाएगा ना कि जब हर करेंसी गोल्ड से लिंक्ड है तो गोल्ड की फॉर्म में हम आपस में भी कन्वर्जन निकाल सकते हैं अब यह जो गोल्ड स्टैंडर्ड था जो कि दुनिया में राइज रहा लेकिन अल्टीमेटली खत्म हो गया तो जाहिर है इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे जो ये राइज रहा और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे जिसकी वजह से यह खत्म हो गया तो एडवांटेज क्या हो सकता है इसका इसका एडवांटेज यह है कि एक्सचेंज रेट की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। आपको पता है कि जो एक्सचेंज रेट है चूंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज की जो किसी कंट्री में रियल वैल्यू बनती है उसमें एक्सचेंज रेट रोल प्ले करता है हमने पीछे एक लेक्चर में पढ़ा कि हमारे मुल्क में चाइनीज प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे डिटर्मिन होगी उस प्रोडक्ट की चाइना में प्राइस मल्टीप्लाइड बाय युआन टू पीकेआर एक्सचेंज रेट

और उसकी वजह से जो रिजल्टेंटली इन्फ्लेशन का रेट है वो सारा गोल्ड की अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट हो गया इसका मतलब ये है कि अगर गोल्ड कम वैल्यू में अवेलेबल हो तो उसके और इफेक्ट्स आएंगे और अगर गोल्ड रिजर्व्स की डिस्कवरीज हो जाएं दुनिया में नए गोल्ड रिजर्व आ जाए उसके इफेक्ट डिफरेंट टाइप के होंगे और ऐसा दुनिया में होता रहा यानी कि एक वक्त वो था कि जब दुनिया में गोल्ड के रिजर्व ज्यादा नहीं डिस्कवर हुए थे तो वर्ल्ड इकोनॉमी एक्सपेंड करती जा रही थी और उस एक्सपेंशन के मुकाबले में गोल्ड एक्सपेंड कर नहीं रहा था तो आप यह सोचें कि जब हर चीज गोल्ड की फॉर्म में डिटर्मिन हो रही हो और गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएं लेकिन उनकी वैल्यू डिटर्मिन करने वाला गोल्ड अपनी जगह पर कॉन्स्टेंट रहे या थोड़ी वैल्यू से इंक्रीज हो तो नतीजा क्या होगा डिफ्लेशन होगा क्योंकि गोल्ड तो वही है चीजें बढ़ गई हैं तो चीजों की कीमतें गिरेंगी क्योंकि गोल्ड नहीं है गोल्ड की फॉर्म में चीज की कीमत निकलनी है तो ये डिफ्लेशन आ जाएगा और आपको पता है डिफ्लेशन कितना कॉस्टली होता है इकोनॉमीज के लिए और फिर जब दुनिया में कुछ गोल्ड रिजर्व फर्दर डिस्कवर हो गए तो इतना ज्यादा गोल्ड हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज उतनी इंक्रीज नहीं हो, हुई थी तो उसकी वजह से इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन आ गया और इन्फ्लेशन का अपना कास्ट है इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रियल फंडामेंटल्स की वजह से इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से नहीं आएगा बल्कि गोल्ड की जो स्टॉक्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी और गोल्ड रिजर्व की डिस्कवरीज के ऊपर जो है वो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन डिपेंडेंट हो जाएगा विच इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट थैंक यू